जब हम लोग एक्सपोर्ट की बात करते हैं ना आरिफ, तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि इंटरनेशनल इस वक्त हालात क्या है। इस वक्त दुनिया रिसेशन में है, इस वक्त कमोडिटी प्राइसेस कम हो गए हैं। तो जब जब ये हालत होती है तो क्या हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमारी क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है। तो नॉर्मली हम लोग नॉर्मल तरीके से जाते हैं ना, तो इस वक्त हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स पिछले साल के बराबर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो क्वांटिटी है ना वो बड़ी है। आप ये हैरान होंगे कि वैल्यू एडेड गारमेंट्स हमारे एक्सपोर्ट क्वांटिटी वाइज 26% बढ़ गया है, निटिंग में 16% बढ़ गया है, इन शूज़ 26% बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो सही हो रहा है ना, और इसका मतलब ये हुआ कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में मार्केट शेयर मिल रही है। अभी हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, और जैसे ही प्राइसेस बेहतर हो जाए तो हमारे एक्सपोर्ट बेहद इम्प्रूव होंगे। मैं एज द कॉमर्स एडवाइज़र मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हमारे एक्सपोर्ट का जो परफॉर्मेंस है ना वो बिल्कुल सही है। अच्छा, उसमें आपने कहा ना कि गारमेंट्स की बरामदात में 29% इजाफा और सीमेंट में 25%, चावल में और फुटवेयर और एक आध शायद एक और चीज़ है, और सीमेंट में तकरीबन 50%।